ये वीडियो शालामार मेडिकल डेंटल कॉलेज जो कि लाहौर में है, इसमें MBBS के एडमिशन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम उसकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था और इस साल एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे और लिंक वगैरह बताएंगे कि कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले अगर लोकल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो एडमिशन फ़ीस 38,000 है और फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस 19,25,000 है और फिर ये बाद में इंक्रीज़ हो रही है हर ईयर। देन UHS के चार्जेस देने होंगे 5.5%, PMC की रजिस्ट्रेशन है, UHS की रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की फ़ीस होगी और एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। देन UHS की एग्जामिनेशन फ़ीस है और मेडिकल ट्रीटमेंट स्टूडेंट का, ये दोनों फ़ीस जो आपको हर ईयर पे करनी होगी। देन हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, डुअल नेशनल्स हैं जो कि डॉलर्स में पे करेंगे, उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है। एडमिशन फ़ीस 360 US डॉलर्स है और ट्यूशन फ़ीस फर्स्ट ईयर के लिए 18,000 US डॉलर्स है और बाद में इंक्रीज़ हो रही है। और देन आपके पास नीचे UHS की रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है। बाकी सारे जो चार्जेज जैसे कि PMC के रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, ये सब आपको रुपीज़ में पे करनी होगी और ये तकरीबन सेम ही है जो पहले हमने लोकल स्टूडेंट्स का फ़ीस स्ट्रक्चर देखा था उसके जितनी ही। उसके बाद ऑप्शनल फ़ी चार्जेस में हॉस्टल की फैसिलिटी है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। हॉस्टल अगर आप एनुअली पे करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 2,58,000 देने होंगे और फिर ये इंक्रीज़ हो जाएंगे हर ईयर, और अगर आप मंथली पे करते हैं तो 21,000 एक मंथ की होगी फर्स्ट ईयर में और फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद नोट में कुछ लिखे हुए हैं इसमें, ये कि हॉस्टल की जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 50,000 है और इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एनुअल बेसिस पर ही ट्यूशन फ़ीस जमा कराएं, वो आप क्वार्टरली या फिर 6 मंथ्स के बेसिस पर भी करा सकते हैं। और अगर आप 6 मंथ पे कराएंगे यानी कि सेमेस्टर वाइज तो 2% डिस्काउंट मिलेगा ट्यूशन फ़ीस पर, और अगर आप एनुअली कराएंगे तो 4% डिस्काउंट है। देन आपके पास ये लास्ट ईयर के 2022-23 सेशन की मेरिट लिस्ट है। इस कॉलेज में 150 सीट्स हैं MBBS के लिए, तो देखते हैं इसका एग्रीगेट क्या बन रहा है क्लोजिंग मेरिट का। ये क्लोज़ हो रहा है 87.86 पर। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें ये है कि प्री मेडिकल इंटरमीडिएट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और MCAT में एटलीस्ट 55%, जो कि 200 में से 110 बनते हैं, और फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए भी यही है कि 60% मार्क्स होने चाहिए जिसमें भी आपकी इंटरमीडिएट की जगह क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर ऊपर फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि या तो आपका SAT 2 में एटलीस्ट 55-50 मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आपने SAT नहीं दिया हुआ तो MCAT या फिर UCAT में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल है 2023-24 का, इसमें इस वक्त जो है इस कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन चल रही हैं ऑनलाइन, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे वेटेज लिखी हुई है, मैट्रिक के 10% है, FSC के 40% और MDCAT के 50% मार्क्स होंगे जिससे आपका एग्रीगेट जो है वो एक बनेगा। तो ये थी इस कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आपको मिल सकें।